सभी दोस्तों को जी राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं कृष्ण मलिक मन्नत डेयरी फार्मिंग चैनल के माध्यम से आप सभी पशुपालक भाइयों के साथ HLDB के एक और बुल मैं जो है आज आपको दिखा रहा हूँ। और जो बुल मैं आज आपको दिखा रहा हूँ वो जगाधरी सीमेंट बैंक का है। जैसा कि मैं पहले आप सभी पशुपालक भाइयों को पहले भी बताता रहता हूँ, हर वीडियो के माध्यम से बताता भी रहता हूँ, HLDB की तीन संस्थाएं हैं, जो कि सबसे बड़ी संस्था HLDB हिसार की है, फिर गुड़गांव और फिर जो है जगाधरी। तो आज जो बुल मैं आपको दिखाने वाला हूँ HLDB जगाधरी सीमेंट बैंक का जो है दिखाने वाला हूँ, पूरी डिटेल मैं उसकी आपके साथ शेयर करूँगा। और वो शेयर करने से पहले आप सभी पशुपालक भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भाई चैनल से नए जुड़े हैं वो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जिस भी किसी पशुपालक भाई के साथ HLDB के किसी भी बुल के रिजल्ट आए हैं या बच्चे आए हैं या प्रोजनी मिल्किंग पर आई है, वो आप हमारे साथ है जो है व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं, ताकि हम HLDB के बुलों की प्रोजनी पशुपालक भाइयों को दिखा सकें कि भाई 30 रुपये का सीमन आपके लिए क्या कमाल कर सकता है। तो आज की वीडियो में जो बुल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो भी HLDB जगाधरी का है। तो मैं आपको जो चैनल स्क्रीन पर पहले बुल का नंबर दिखा रहा हूँ, M509 नंबर का बुल है, फिलहाल जगाधरी सीमेंट बैंक के अंदर है। और जो इसकी डैम बिल्ड भी आपने आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ 4788 किलोग्राम मदर साइड से इसकी जो है एवरेज है। लेकिन यहाँ पर इसका सायर इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है। 2016 की इसकी डेट ऑफ बर्थ है और 2018 में इस संस्थान को ये बुल प्राप्त हुआ था, जो कि मैं आपको बता दूं कि कहाँ से गया हुआ है। ये गया हुआ है हिसार सेक्टर 11 से, क्योंकि इनकी एक संस्था भिवानी पर भी है जहाँ पर कट्टे तैयार होते हैं और फिर वो फार्म के अंदर पहुँचा दिए जाते हैं, सीमेंट बैंक के अंदर पहुँचा दिए जाते हैं। तो ये बुल है जी HLDB जगाधरी का M509 का। तो इसे ये काफ़ी वैसे पुराना बुल है, लेकिन अभी तक इसके जो है हमने ना ही तो बच्चे देखे इतने खास से और ना ही इसकी प्रोजनी मिल्किंग पर देखी। तो सभी पशुपालक भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिस भी पशुपालक भाई के पास इस बुल की अगर प्रोजनी मिल्किंग पर आई है तो हमारे चैनल पर हम उस वीडियो को लोगों को दिखाएंगे, तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें। और भी काफ़ी सारे बुलों की वीडियोज़ में चैनल के माध्यम से आप सभी पशुपालक भाइयों को दिखाता भी रहता हूँ, लेकिन आज जो बुल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये HLDB जगाधरी सीमेंट बैंक का M509 नंबर का बुल है। बुल की लेंथ, हाइट और गर्दन आप देख सकते हैं भाई, सिंह का साइज एक देख सकते हैं, क्योंकि मुर्रा के जब करेक्टर्स काउंट किए जाते हैं तो सारी चीज़ें वहाँ पर मायने रखती है। तो ये बुल मैंने आपको इसलिए दिखाया है क्योंकि बहुत सारे पशुपालक भाई जो इसका सीमन यूज़ भी कर रहे हैं, आज भी एक दो पशुपालक भाई से इस बारे में बात हुई तो बुल देखने की जिनको चाहना थी और जो भविष्य में इसका यूज़ कर रहे हैं सीमन, वो भाई बुल देख लें। और ये बुल है क्योंकि संस्थान के बुल बहुत ही कम देखने में आते हैं और हमारा मोटिव रहता है भाई संस्थान के बुल जितने भी हो सके मैं आपको बुल दिखाता रहूँगा और आप हमें उसकी प्रोजनी दिखाते रहें, ताकि 30 रुपये वाले सीमन से जो प्रोजनी फील्ड में मिल्किंग का कमाल कर रही है वो आप भी वो सीमन यूज़ करके अपनी पशुओं की एवरेज बढ़ा सके। और दूसरा एक बात और कहना चाहूँगा भाई, आप एक ट्रस्टेड बुल का सीमन यूज़ करें, HLDB तो सबसे पहले नंबर पर है ही, बाकी और भी जो बुल आपके हिसाब से उसका भी सीमन आप यूज़ कर सकते हैं, जिसकी मदर साइड के करेक्टर फादर साइड के करेक्टर आपके पास है, भाई जेन्युइन दूध का रिकॉर्ड है, बच्चे अच्छे आ चुके, वही सीमन यूज करें। नहीं तो आप 4 साल तक एक काफ को जो है पालेंगे, पहले पैदा होगा फिर पालेंगे, 3-4 साल अमूमन इस प्रोसीजर में लग जाते और फिर मिल्किंग रहती है भाई 8 से 10 किलो की, तो वहाँ पर फार्मर बहुत पीछे चला जाता है। इसलिए मैं आपसे कहता रहता हूँ भाई HLDB का अगर कोई आपको 4-4.5 हज़ार की एवरेज का भी बुल मिल रहा है, ओरिजिनल सीमन होना चाहिए क्योंकि डुप्लीकेट भी बहुत ज़्यादा चले हुए मार्केट में, तो वो आप यूज़ करें। आँख मूंद कर यूज़ करेंगे आपको रिजल्ट बड़े जेन्युइन मिलेंगे, क्योंकि ओरिजिनल दूध का रिकॉर्ड है बिना कोई बूस्टिंग का। तो ये आज एक जो छोटी सी वीडियो मैंने शेयर की है M509 बुल की है, और आप भी इस वीडियो को और भी फार्मर्स भाइयों के साथ शेयर करें। और वीडियो को जो है ख़त्म करने से पहले एक चीज़ और कहूँगा भाई कि जिस भी किसी पशुपालक भाई के पास HLDB के जिस भी बुल के जिस प्रकार के रिजल्ट आए हमारे साथ शेयर अवश्य करें, साथ के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको डेयरी फार्म से जुड़ी अपडेट मिलती रहे।